हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और ये देखिए, ये शिव्यांश और दिव्यांश जो है वो दूध पी रहा है, और हम जो है इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल पाए। मैं आपको बता दूं, छोटी दिवाली वाले दिन ना हमें जाना पड़ा इमरजेंसी में, क्योंकि मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उनकी। हॉस्पिटल में थी वो, उनकी जो प्लेट होती है ना वो कम हो रही थी, प्लेटलेट जो होती हैं वो, उनको बोतल वगैरह चढ़ रही थी, इंजेक्शन भी लग रहे थे, तो हमें जाना पड़ा। और वहाँ जाने के बाद में एक तो बहुत ज़्यादा ठंड, बच्चे को बचा के रखना, मुझे काम करना, और बच्चा छोटा, मम्मी जी की तबीयत ख़राब, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई उसमें और ना ही आपको अपडेट दे पाई कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके लिए सॉरी। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ। आज है क्या है, आज मंडे, मंडे है आज, कल हम आए हैं संडे को। अच्छा, आज सेवन वो है तारीख, सेवन तारीख आज। शिव्यांश ने मुझे बताया है। बेटा इधर देखो, बोलो हाय कर दो, हाय। अच्छा बच्चा ना कर दो, क्यों? देखिए लाइट जो है हमने लगाई थी, ये लाइट लगाई थी हमने, देखिए देखिए, दिव्यांश के लिए लगाई थी, क्योंकि वो जो है ना इनसे देख देख के खेलता रहता है। तो मैं अभी आप लोगों से बात करती हूँ, उसको दूध पिला रही थी ना, तो बार बार निकाल रहा है। बस बस बस, ज्यादा नहीं छेड़ना, ज्यादा नहीं छेड़ना, बड़ा हो जाएगा वो भी, बहुत छोटे है, बहुत थोड़ा। अभी हमारा काम ऐसे चल रहा है, छोटे बच्चे में दिक्कत हो जाती है, और ये ना बहुत परेशान कर, आजकल इतना रोता है, इतना रोता है, बहुत ज्यादा रोता है। और जब हम गांव गए थे ना, वो बताऊंगी मैं भी आपको, इसको क्या हुआ था, बहुत दिक्कत होती है, इसको इंजेक्शन भी लगे थे तीन तीन, परेशान कर रहा था, और ऊपर से जो ये होती है ना यहाँ से हंसली, वो उतर गई थी इसकी, बहुत रो रहा था। तो अभी तो ठीक है फिलहाल, लेकिन रोता बहुत है, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और बस मेरा वीडियो बनाने का बहुत मन करता है, बहुत पर मैं बना नहीं पाती हूँ, मेरी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, मैं क्या करूँ पता नहीं। बाबू इसको उठा के रखो, फिर हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे, इसको ही बैठ के नीचे चले जाएगा। बाबू इसको उठा के रख दो, इसको वहीं पे रख दो, ये खेलने की नहीं है, खराब हो जाएगी, लगानी नहीं है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे ना मैंने तीन चार प्याज को छील के रख लिया है, और यहाँ पे मैं लहसुन को छील के रख लूंगी। क्या है ना कि बाद में हम जो भी कोई सब्जी वगैरह बनाएंगे तो उसमें हम ये यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा मेरा बाद का, क्योंकि अभी ना बच्चे दोनों सो रहे हैं, तो मैंने सोचा इतना तो काम मैं कर ही लेती हूँ, तो बस यही मैं कर रही हूँ। और आप लोगों के साथ मैंने सोचा आज वीडियो बना लेती हूँ, मैं चाहती हूँ वीडियो बनाना, पर पता नहीं क्यों मैं नहीं बना पाती हूँ, छोटा बच्चा है, लेकिन मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी। मैं बार बार बोलती हूँ, लेकिन सच में कुछ ना कुछ हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं लहसुन छील रही हूँ, और अभी जो है अभी भी मैंने दिव्यांश को गोद में लेके रखा है और वो सो रहा है, तभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, नहीं तो आजकल वो रोता है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, क्या बात हो रही है, लेकिन मैं फिर भी सब कुछ हैंडल करने की कोशिश करती हूँ कि अच्छे से कर पाऊँ मैं। तो देखिए इनको ना मैं अच्छे से कट भी कर दूँगी, कि हम इनको पीसे वीसे तो ये ज़्यादा मोटा मोटा ना रहे, इसलिए ये देखिए। और शिव्यांश जो है वो भी मेरे साथ में खेल रहा है, मतलब मेरे पास ही बैठा हुआ खेल रहा है। बाहर कबाड़ी वाला आ गया था तो मैं रुक गई थी, ऐसे कुछ कोई ना कोई आता रहता है, डिस्टर्ब वगैरह करते रहते हैं, होते रहते हैं डिस्टर्ब, कोई बात नहीं, लेकिन अपने काम पे लक्ष्य एक होना चाहिए हमें, और बस उसी पे ध्यान रखना चाहिए। मैं भी ये करना चाहती हूँ, और मैं अब करूँगी, सच भगवान बस मुझे मेरे लक्ष्य से भटकाए ना, ताकि मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँ और मैं आगे बढ़ पाऊँ, मेहनत करूँ। तो बस देखिए आटा ले लिया है मैंने, इसमें डालूँगी मैं नमक। अभी क्या है ना, नींद भी पूरी नहीं होती है, बाबू दिन में सोता है तो मैं काम कर लेती हूँ, रात में वो जागता है, तो क्या है ना कि कभी कभी मैं सो जाती हूँ और बस मेरा कुछ बहुत कुछ काम रह जाता है। लेकिन यही है, अभी अगर मैं इस काम को करूँगी तो आगे जाके मुझे बहुत सफलता मिल ही जाएगी, क्योंकि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और किसी किसी को तो बिल्कुल भी आसानी से नहीं मिलती है, किसी किसी को तो बहुत आसानी से मिल जाती है। मैंने देखा है किसी किसी का चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, उनको बहुत जल्दी सफलता मिल गई, लेकिन मुझे नहीं मिली। मुझे पता है मुझे टाइम लगेगा, लेकिन मिलेगी ज़रूर, क्योंकि मेहनत एक न एक दिन रंग लाती है, ये मैं भी जानती हूँ कि मेहनत करते हैं तो फल तो मिलता ही है। लेकिन एक बात और है, बस मेहनत करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, भगवान देख रहा है, कभी ना कभी तो हमारी किस्मत भी खुली जाएगी।
तो इसीलिए मैं भी मेहनत करती करूँगी। वैसे मैंने की है मेहनत, आप लोग देख सकते हैं 3 साल से कर ही रही हूँ मैं मेहनत, लेकिन कुछ नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन हो जाएगा मुझे भरोसा है, कभी ना कभी तो होगा, कब तक नहीं होगा। तो मैं भी करती रहूँगी और अपने लक्ष्य से पीछे हटने वाली नहीं हूँ। तो देखिए मैंने आटा मेरा गूंथ लिया है, अब यहाँ पे ना मैं रोटियाँ बना लूँगी। तो और उधर मैंने जो वो पतीला देख रहे हैं आप, उसमें मैंने पानी रखा हुआ है बाबू का, उसको मैं दूध पिलाती हूँ ना वैसा बोतल वाला, तो पानी में घोल के दूध जब पिलाती हूँ तो वही पानी उसका मैं उबाल रही हूँ। और आज ना मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं बालों में कंघी कर लूँ, आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही है मेरे बाल। तो मैं ना गैस चलाना भूल गई और रोटी बेलने लगी थी, तो कोई बात नहीं, मैंने गैस चला दी है, तवा गर्म हो जाएगा। चूड़ियाँ जो है ना बहुत आगे पीछे होती रहती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती रहती है, तो मैं सोचती हूँ भाई बाबू उठ ना जाए, क्योंकि जो जीवियान से ना वो बहुत छोटी छोटी सी आवाज़ में उठ जाता है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शांति चाहिए होती है सोने के लिए। तो मैं बहुत धीरे धीरे से काम करती हूँ ताकि कुछ आवाज़ ना जाए, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी आवाज़ें तो हो ही जाती हैं, लेकिन हम जितना चाहेंगे ना कि आवाज़ से हम काम ना करें उतनी ज़्यादा आवाज़ होगी। तो फिर भी मैं धीरे धीरे काम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं रोटियाँ बना लूँगी और सब्ज़ी बांधे बनाएंगे, हो सकेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और शायद ना भी कर पाऊँ क्योंकि बाबू उठ जाए इसलिए, तो मुझे माफ़ करना। और बस देखिए यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ, और रोटियाँ ना मेरी ज़्यादातर कैमरे के सामने फूलती नहीं है, आज देखती हूँ आज क्या होगा, रोटियाँ फूलेंगी कि नहीं फूलेंगी। तो ये देखिए मैंने तवे वाली रोटी है जो है वो पलट दी है, और अलट पलट के ऐसे मैं अपनी सारी रोटियाँ सेक लूँगी। और मेरा किचन जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, तो मैं भीड़ भाड़ सी होती रहती है, आप लोगों को पता ही है। तो और मैं एक बात बता दूँ, जब हम रहने लग जाते हैं ना पता नहीं क्यों सामान इतना सारा हो जाता है, बहुत सारा सामान हो जाता है किचन का भी, कपड़े लत्ते ये वो बहुत, और मेरा रूम ना बहुत ही छोटा है, किचन भी छोटा है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। सच में आपने देखा है मेरा रूम बहुत छोटा है, नहीं देखा तो मैं आप लोगों को किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि कितना छोटा है। टांड वगैरह भी बड़ा नहीं है, तो कुछ सामान जो है नीचे ही रखना पड़ता है मुझे जब टांड नहीं है, बहुत छोटा सा टांड है, छोटा सा ही है। तो बस मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ, और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोग कैसे हो, और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मैं भी आगे बढ़ पाऊँ और मैं भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ, करना चाहती हूँ। लिख लो। तो शिव्यांश जो है वो लिख रहा है, बोल रहा है यहाँ पर लिख लूँ, तो मैं उसको बोली लिख लो बेटा, सही है अच्छा है, लिख लिख के खेल रहा है तो कुछ ना कुछ तो लिखेगा पढ़ेगा, ऐसी समझ में आएगा उसको भी। तो बस उसको ना लिखना बहुत पसंद है मेरे बेटे को, है ना शिव्यांश, लिखना पसंद है ना, हाँ तो लिखता जाता है, पढ़ता भी है। तो बस ये देखिए, और हाँ मैं बोल रही थी कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो आप प्लीज़ शेयर भी कर सकते हैं मेरे वीडियो, और मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी भी हेल्प कीजिए, मेरी भी मदद कीजिए। मैं इतना ज़्यादा वैसे यूट्यूब के बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना भी जानती हूँ मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। और ये एक बात है, जैसे हम किसी काम को करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे हमें पता चल ही जाता है कि हमें क्या काम कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, तो बस वही है। वैसे ज़्यादा मैं नहीं जानती यूट्यूब के बारे में, लेकिन हाँ कोशिश करती रहती हूँ कि मैं जानूँ कुछ, तो मैं वीडियो देखती रहती हूँ टेक से रिलेटेड कि क्या होता है कैसे होता है। पहले तो मुझे वीडियो एडिट करनी भी नहीं आती थी, वो भी मैंने यूट्यूब से ही सीखा है, सब कुछ यूट्यूब से ही सीखा है मैंने, और आगे भी मैं यूट्यूब से ही देख लूँगी। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब से ही देख के सीखे हुए हैं। हाय फ्रेंड्स, तो मैं रोटियां बना रही थी और जो बेबी जो है उठ गया है, उसको भूख लगी थी तो मैं उसको दूध पिला रही हूँ, फ़ोन को कहाँ रखो पता ही नहीं, तो मैं उसको दूध पिला रही हूँ अभी। और अभी ना शाम के क्या टाइम हो रहा है, शाम के 5:15 बज रहे हैं अभी, और मैंने इतनी जल्दी रोटी बना ली क्योंकि सो रहे थे दोनों बच्चे, शिव्यांश और दिव्यांश दोनों सो रहे थे, और मैंने ना आज कंघी भी नहीं की, टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी, तो मैंने सोचा थोड़ा अपना खाने पीने का काम कर लेती हूँ। तो बस रोटियाँ मैंने बना दी हैं, और प्याज और लहसुन वगैरह अदरक लहसुन वगैरह काट के रख दिए हैं, आके देखते हैं कि क्या बनाएंगे, क्योंकि अभी सब्जी का डिसाइड नहीं हुआ है क्या बनाना है, लेकिन रोटियां मैंने बना दी है, उससे भी काफ़ी काम कम हो जाता है ना। तो मैं रेसिपी आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बाहर से ना बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं और इधर से ट्रेन भी आ रही है, तो चलिए मैं चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक।